नमस्कार दोस्तों, क्यूब और डाइस घनपासे की बात करें। घनपासे में इससे पहले दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट की यदि अपन बात करें, पार्ट फर्स्ट में हमने सामान्य परिचय घन के बारे में, जो नींव जो होती है घन की, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर हमने मान लो कोई मकान बनाते हैं उसमें नीम को यदि अपन नहीं लगाएंगे तो मकान नहीं बन सकता, उसी प्रकार से अगर आपने घनपासे में पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो निश्चित रूप से अपन को आगे के प्रकार देखने का कोई फायदा नहीं है। तो पार्ट फर्स्ट तो हमको जरूर से जरूर देखना है, जिससे हमको आगे की चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। अब हम बात करें, हमने चार तरीके के प्रश्न आपको बताए थे, चार तरीके के प्रश्न बताए कि परीक्षा में एक पासे से संबंधित प्रश्न आता है दोस्तों, दो पासे से संबंधित प्रश्न आता है, तीन पासे से संबंधित प्रश्न आता है और चार पासे से संबंधित प्रश्न आता है। पिछले वाले पार्ट में हमने एक पासे संबंधित प्रश्न हल कर लिया कि अगर एक पासे का प्रश्न आता है तो हमको क्या करना चाहिए, और आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, आप पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे प्रश्न जिसमें दो पासे दे रखे हैं तब आपसे प्रश्न पूछता है दोस्तों, दो पासे वाले प्रश्नों की कंडीशन हम बात करते हैं। और अधिकांश ने मैंने आपसे पहले वाले पार्ट में कहा था एक पासा वाला प्रश्न कम आता है, लेकिन दो पासे वाला प्रश्न, तीन पासे वाला प्रश्न और चार पासा वाला प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, इनमें से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो हम क्या करें अगर दो पासा वाला प्रश्न आता है? पहली बात तो देखें कि जो पासे होते हैं उन पासों पर क्या क्या लिखता है वो। एक तो संख्याएं लिखता है, संख्याएं होती है दोस्तों एक से लेकर छह तक, एक से लेकर छह तक संख्याओं को वो प्रयुक्त करता है। इसके बाद दूसरी नंबर पर बात करें अपन बिंदियां, जो संख्याएं हैं इन संख्याओं की ही बिंदियों का वो प्रयोग करता है, एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, चार बिंदी, पांच बिंदी, बिंदियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अक्षरों का प्रयोग करता है, इसके अलावा बात करें संख्याओं का प्रयोग, रंगों का प्रयोग करता है, और एक कंडीशन और है कि चिन्हों का प्रयोग करता है दोस्तों। जब हम प्रश्न देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि संख्याएं भी आती हैं, बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इस प्रकार की स्थिति भी आती है, अक्षर भी आते हैं, रंग भी आते हैं, चिन्ह भी आते हैं। दोस्तों कोई सी भी कंडीशन आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। फर्क क्या पड़ता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। फर्क ये पड़ता है कि अगर मान लीजिए संख्याओं से संबंधित प्रश्न है और बिंदियों से संबंधित यदि प्रश्न है तो उस पासे की मानक पासा बनने की संभावना बन जाती है कि वो मानक पासा भी हो सकता है, अगर उन पासों के ऊपर संख्याएं होती है या बिंदियां बनी होती है, क्योंकि बिंदियां भी जो होती है वो संख्याओं को निरूपित करती है निश्चित रूप से। तो संख्याएं जब आती है या बिंदियां आती है तो निश्चित रूप से वो मानक पासा भी बन सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न में अक्षर है या प्रश्न में रंगों का प्रयोग हो रहा है या चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, ये कौन सी कंडीशन में प्रयोग होगा? ये साधारण पासों में प्रयोग होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा साधारण पासे की कोई गारंटी नहीं होती है, साधारण पासे में कुछ भी हो सकता है, साधारण पासे में वो रंग भी लिख सकता है, चिन्हों का प्रयोग भी कर सकता है, अक्षरों का प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन मानक पासे में तो उसको संख्याओं का ही प्रयोग करना ही पड़ेगा और संख्याओं की जगह पर बिंदुओं का प्रयोग करेगा, बाकी करेगा इनमें से ही दो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि दो पासा वाला प्रश्न जो आता है उसमें क्या होगा। दो पासे का प्रश्न आता है दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पहली बात बात करें, मान लीजिए दो पासे का प्रश्न है, एक प्रश्न में लिख देता हूं, बहुत ही सीधा तरीका है, ध्यान से देखेंगे कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ये दो पासा वाला प्रश्न जो है वो कभी गलत नहीं होगा, ध्यान से हमको देखना है और 10 सेकंड का आंसर है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने लिख दिया दो तीन पांच, यहां पर लिख दिया मैंने दोस्तों पांच चार और छह, ये हमारे पास में दो पासे हैं और दोस्तों ध्यान से हम देखते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, या दो के सामने वाली फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो प्रश्न किस किस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, बता रहा हूं मैं, दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, दो के सामने वाली फलक पर कौन सा अंक होगा, या दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि यदि दो को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो नीचे की फलक पर क्या होगा, या दो को सामने वाली फलक पर लिख दिया जाए तो पीछे वाली फलक पर क्या होगा। इट मीन्स दो के विपरीत पूछा है, ये सारी चीजें जो है वो केवल प्रश्न को घुमाने के लिए है दोस्तों, दो के विपरीत पूछा है, दो पासे का प्रश्न आपके पास है, अगर एक पासा ही होता तो दो के विपरीत पूछता दोस्तों, मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बता दिया। अब दो पासे की अपन बात करते हैं,
जैसे ही दो पासे का दोस्तों प्रश्न आता है, आपको करना क्या है? जैसे मैंने आपको एक पासा वाला प्रश्न बताया था कि एक पासे का प्रश्न आता है तो हमको करना क्या है, एक पासे वाले प्रश्न में देखना है कि साधन पासा है मानक पासा, उसी प्रकार से अगर दो पासे का कभी प्रश्न आए दोस्तों तो हमको देखना क्या है, हमको ये देखना है क्या दोनों पासों में एक फलक समान है, क्या एक फलक समान है? ये देखो, क्या दोनों पासों में आपको एक फलक समान दिखाई दे रही है क्या? इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए कि एक फलक समान है या नहीं है। आप देखोगे यहां पर दो, यहां पर भी है लेकिन यहां पर दो नहीं है, यहां पर तीन है यहां पर तीन नहीं है लेकिन यहां पर पांच है और यहां पर भी पांच है। दोनों पासों में देखोगे ध्यान से तो दोस्तों एक फलक आपकी समान है। और अगर मान लीजिए एक फलक समान है दोस्तों क्या करना है, बिल्कुल सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, तुरंत उत्तर दोगे, 10 सेकंड के अंदर उत्तर दोगे। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, दो पासे वाला प्रश्न हो, और अगर मान लीजिए एक फलक समान है दोस्तों, तो सबसे पहली कंडीशन इस प्रकार की एक सारणी बना लीजिए। इस प्रकार की एक सारणी बनानी है दोस्तों, अगर एक फलक समान है तो इस प्रकार की सारणी आपने बना ली। अब सारणी बनाने के बाद में दोस्तों हमको देखना है कि जो समान फलक है, एक फलक समान की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक फलक समान है तो दोनों में, इसमें पांच है भी इसमें भी पांच है, जगह कहीं पर भी हो, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साहब यहाँ साइड वाली फलक पर है तो इधर होना चाहिए, नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, पांच यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो पांच समान है। तो जैसे ही ये सारणी बनाएंगे इसमें सबसे पहला काम दोस्तों होगा कि जो समान फलक पर जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए। हमने लिख दिया दोस्तों पांच, पांच यहां भी लिख दिया, पांच यहां भी लिख दिया, मैंने कहा जो समान फलक है उसको आप लिख दीजिए, लिख दिया। अब क्या करें दोस्तों, पहले पासे पे आ जाइए, जो समान फलक है उसको आप पकड़ लीजिए दोस्तों, ये मैंने पकड़ लिया, इसको ये मैंने पकड़ लिया है, समान फलक को पकड़ करके क्या करना है दोस्तों, इसको आपको घुमाना है, चक्की चलानी है दोस्तों, और चक्की किस प्रकार चलानी है, क्लॉकवाइज चलानी है, मतलब मान लीजिए यहां पर ये घड़ी की सुई होती तो ये क्लॉकवाइज यदि घूमती तो निश्चित रूप से क्लॉकवाइज घूमती तो इधर से कहां आती दोस्तों, इधर की तरफ आती सुई, और इधर से इधर आती तो यहां पर कौन सा अंक है दोस्तों, तीन, तो यहां पर लिख दिया मैंने तीन। अब सुई यहां पर आ चुकी है घड़ी की, मैंने कहा क्लॉकवाइज घूमना है इस जगह से, अब तीन यहां पर आ गई तो क्लॉकवाइज घूमेंगे यहां से, और क्लॉकवाइज घूमेंगे दोस्तों कहां पहुंच गए अपन, दो पर पहुंच गए, मैंने इसमें लिख दिया दो, पहले पास ही कंप्लीट हो गया, मैंने समान फलक को पकड़ा दोस्तों। याद रखें कौन सी फलक को पकड़ना है, समान फलक को पकड़ना है, पांच को हमने पकड़ लिया दोस्तों, पांच को पकड़ने के बाद में क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज याद रखें, क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। अगर हम कहेंगे कि अगर सर मान लो हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो घुमा दो, कोई परेशानी नहीं है, तो भी उत्तर आएगा, लेकिन कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो काम यहां पर हो वही काम यहां पर होना चाहिए, मतलब यहां पर यदि एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हो तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना, यहां पर क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहां पर भी क्लॉकवाइज हमको घूमना है। तो याद रखो दोस्तों कि क्लॉकवाइज घूमना है हमको, तो ये याद रखो आप। तो पांच के बाद तीन लिख दिया, तीन के बाद दो लिख दिया दोस्तों, पहली पासे का काम कंप्लीट हो चुका है सारणी में। अब दूसरे पासे पे आ जाइए, समान फलक को पकड़ना है, ये पांच है इसको पकड़ लिया, क्लॉकवाइज घुमाना है, घुमाइए कहां पर, ऊपर की तरफ आ गया, पांच के बाद क्या लिखना है दोस्तों, चार। अब चार पे आ गए, चार के बाद दोस्तों क्या लिखना है अपन को, छह लिखना है दोस्तों। सारणी कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे ही आपकी सारणी बनी दोस्तों आंसर भी आपके सामने है, और आंसर क्या है कि अगर तीन के विपरीत पूछे दोस्तों तो आंसर होगा चार, तीन के विपरीत पूछे तो चार है, और चार के विपरीत पूछे तो तीन, और दो के विपरीत पूछे तो छह, और छह के विपरीत पूछे तो दो। तो याद रखे दोस्तों, यहां पर बात करें तीन के विपरीत आपसे पूछे है तो चार, चार के विपरीत पूछे तो तीन, और दो के विपरीत पूछे तो छह, और छह के विपरीत पूछे तो दो। उत्तर आ चुका है, दो के विपरीत पूछा है, आंसर हो गया आपका छह। और अगर मान लीजिए दोस्तों पांच के विपरीत पूछ लेता, अगर मान लीजिए आपसे पांच के विपरीत दोस्तों पूछ लेता तो आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि कोई भी पासा होता है उस पासे में एक से लेकर छह तक के अंकों का ही प्रयोग होता है। अगर हम कहेंगे सब पांच के विपरीत पांच है, ये बात तो गलत है, यानी कि कोई भी जो अंक होता है वो रिवाइज नहीं होता है, कोई भी अंक एक फलक पर लिख दिया वो दूसरी जगह पर नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसलिए याद रखें पांच के विपरीत पांच नहीं होगा, पांच के विपरीत वह होगा जो इस सारणी में नहीं आया है। संख्याएं हैं तो हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कौन सा है, क्योंकि संख्याएं फिक्स है, एक से लेकर छह तक के अंकों का ही प्रयोग होता है दोस्तों। तो पांच के विपरीत क्या है दोस्तों, बताओ कौन सी संख्या नहीं आई सारणी में, देख लीजिए आप, एक से लेकर छह तक में दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, कौन सा नहीं आया, एक नहीं आया दोस्तों, और एक नहीं आया निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पांच के विपरीत क्या है दोस्तों, एक है। पांच के विपरीत क्या है, एक है, और एक के विपरीत क्या है, पांच है। तो अगर मान लीजिए
कोई भी पासा होता है, दो पासे से रिलेटेड यदि प्रश्न आता है, तो दोस्तों पहला काम हमारा क्या होगा, उस पासे में चेक कीजिए क्या एक फलक समान है क्या, और अगर एक फलक समान है तो हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, और सारणी में सबसे पहले क्या करेंगे, समान फलक को लिखेंगे, और फिर समान फलक को पकड़ करके घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके सारणी की पूर्ति करेंगे। जैसे सारणी बन जाती है, उस सारणी में ऊपर नीचे की फलक जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, और बची हुई फलक जो होगी वो समान फलक के विपरीत मानी जाती है। तो ये आपका ऐसे प्रश्न जिनमें एक फलक समान है, लेकिन एक प्रश्न में और आपको करवा रहा हूं, कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न और बात करें अपन, एक प्रश्न और देख लेते हैं, कोई भी प्रश्न आए, अगर एक फलक समान है सारणी का प्रयोग कीजिए। अब देखें एक प्रश्न और देख लेते हैं, अब की बार मैं इनमें कलर का प्रयोग करता हूं, इनमें रंगों का प्रयोग करता हूं। मैंने आपसे कहा अगर रंग है कोई भी पासे में तो निश्चित रूप से साधन पासा ही होगा, वो तो मानक पासा हो ही नहीं सकता, अगर रंग है तो साधन पासा ही होगा। मैंने लिख दिया दोस्तों यहां पर लाल, पीला, नीला, सफेद और बैंगनी और लाल, और ये पहला पासा है दोस्तों और ये दूसरा पासा है। अब ये दो पासे आपके पास में आ गए, कुछ भी लिख सकता है, संख्या लिख सकता है, बिंदियों का प्रयोग कर सकता है, अक्षरों का प्रयोग कर सकता है, रंगों का प्रयोग कर सकता है, चिन्हों का भी प्रयोग कर सकता है। यहां पर उसने रंगों का प्रयोग किया दोस्तों, दो पासे हमारे पास में आ गए, हमसे पूछ सकता है पीले के विपरीत बताओ, लाल के विपरीत बताओ, नीले के विपरीत बताओ, बैंगनी के विपरीत पूछ सकता है, सफेद के विपरीत ही पूछ सकता है दोस्तों, किसी भी फलक के विपरीत पूछ सकता है। तो जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न आए दोस्तों क्या करें, पहला काम क्या है, पहला काम है आप इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए, अच्छी प्रकार से देखिए, बताइए क्या इन दोनों पासों में एक फलक समान है क्या दोस्तों। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दोनों पासों में एक फलक समान है। मान लीजिए हमसे पीला के विपरीत पूछा है, बताइए पीला के विपरीत क्या होगा, क्या करें, दोनों पासों को ध्यान से देखिए, एक फलक समान है क्या, बिल्कुल है, कौन सी है, लाल, लाल यहां पर भी है, लाल यहां पर भी है, सारणी बना लीजिए तुरंत, तुरंत सारणी बना लीजिए। सारणी में क्या करेंगे, जो समान फलक है उसको लिखेंगे, समान फलक कौन सी है, लाल दोनों तरफ आया है, लाल लिख लिया दोस्तों, लाल लिख लिया, समान फलक को पकड़ लिया, मैंने कहा समान फलक को पकड़ेंगे कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज, येलो सा इधर से सुई इधर जाती है, पीला लाल के बाद लिख लीजिए, यहां पर पीला, यहां से सुई नीला लिख दिया, पहला पासा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। दूसरे पासे की बात करते हैं, वही पकड़ना है, कौन सा समान फलक, कौन सी है, लाल, लाल के बाद कहां चले अपन, सफेद, क्लॉकवाइज चलना है दोस्तों, सफेद पर गए, यहां से कहां पहुंचेंगे अपन, बैंगनी के पास, यहां पर आप देख लीजिए पूरे के पूरे छह स्थिति आपके पास है दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा कि साहब पीला के विपरीत क्या, मैंने कहा ऊपर नीचे की फलक एक दूसरे के विपरीत होगी दोस्तों, तो पीला के विपरीत क्या होगा, सफेद होगा, और सफेद के विपरीत पूछे तो पीला होगा, और नीला के विपरीत पूछे दोस्तों बैंगनी होगा, क्लियर है बिल्कुल। लेकिन मान लो, वैसे आता नहीं है एग्जाम में, नहीं आता है, फिर भी मान लीजिए 1% आ गया, लाल के विपरीत आपसे पूछ लिया, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा सर अब बताओ लाल के विपरीत क्या होगा दोस्तों। अब हम बात करें, अगर यहां पर संख्याएं होती तो संख्याओं में तो हमको पता होता है कि साहब छठा ये है, एक है, दो है, तीन है, जो बचेगा वो बता सकते हैं, लेकिन रंगों में कोई फिक्स थोड़ी है, छह रंग कौन कौन से रंग, तो बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर यदि बात करें कि लाल के विपरीत क्या है दोस्तों, तो उत्तर कैसे देंगे, हमको यहां पर दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम जानते हैं साधन पासे में विपरीत फलकों के बारे में हमको पता नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रश्न से, हम इस प्रश्न से ये कह सकते हैं कि सब लाल के विपरीत पीला कभी नहीं हो सकता। अगर आप उत्तर देने की सोचो, ऑप्शन आपको दे, ऑप्शन में पीला हो उसको बिल्कुल गलत कर दीजिए, पीला हो ही नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है। क्या दोस्तों नीला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, पड़ोसी है। और देखिए लाल के पड़ोसी कौन कौन है दोस्तों, सफेद भी है, क्या सफेद उत्तर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और पड़ोसी कौन है लाल के, बैंगनी है, तो क्या बैंगनी भी उत्तर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर लाल के विपरीत पीला नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता,
सफेद नहीं हो सकता, बैंगनी नहीं हो सकता, और जब लाल के विपरीत पीला नहीं है, नीला नहीं है, सफेद नहीं है, बैंगनी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? छठा रंग बताइए। तो छठा रंग हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रंगों की संख्या बहुत होती है, निश्चित नहीं होती है, इसलिए दोस्तों आंसर होगा यहां पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहां पर आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप यहां पर लाल के विपरीत जो फलक है उस पर कौन सा रंग बना हुआ है उसके बारे में अपन नहीं बता सकते कि कौन सा है, तो आंसर होगा दोस्तों ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन एक स्थिति को पकड़ के नहीं बैठना कि आंसर मेरा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मैंने कहा ऑप्शन, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। मान लो चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन में ज्ञात नहीं कह सकता है ही नहीं। ऑप्शन में पीला दे रखा है, ऑप्शन में नीला दे रखा है, ऑप्शन में काला दे रखा है, और ऑप्शन में बैंगनी दे रखा है दोस्तों, बैंगनी दे रखा है। अपन से पूछ लिया मान लो पीला के विपरीत क्या है, पीला के विपरीत पीला हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या नीला हो सकता है कि नीला भी नहीं हो सकता, पड़ोसी है, काला देखेंगे, बैंगनी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दोस्तों देख लो यहां पर तीन ऑप्शन नहीं है, तीन नहीं है तो आंसर आ गया कौन सा है, काला है। लेकिन काला हमने किस प्रश्न से उत्तर ज्ञात नहीं किया है, ये काला हमने उत्तर ज्ञात किया है ऑप्शन से। तो दोस्तों ऑप्शन से उत्तर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन दिमाग लगा करके बात करेंगे तो यहां पर अपन बच्ची कुची फलक के बारे में किसी प्रकार से कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि साधारण भाषा है और साधारण भाषा में भी रंगों का प्रयोग हो रहा है और रंगों में कोई संख्या फिक्स नहीं होती है। हाँ, अगर इस प्रश्न में वो ये देता कि भाई ये छह रंग है, पर्टिकुलर कोई छह रंगों के नाम दे देता तो हम उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपकी स्थिति हो गई, अगर दोनों पासों में एक फलक समान है, सारणी बनाइए, सारणी में एक फलक को, समान फलक को लिखिए, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए और आराम से उत्तर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि दोनों पासे वाले में, दो पासे वाले प्रश्नों की। मान लीजिए एक फलक समान नहीं हो, मान लीजिए एक फलक समान नहीं हो, दो फलक समान आ जाती है, भाई प्रश्न वही है, दो पासे वाला प्रश्न है। लेकिन आप कहोगे सर कि आपने तो कहा कि सर एक फलक समान है तो हम उत्तर दे दिया हमने, लेकिन मान लीजिए आपके सामने एक फलक समान नहीं है, अगर दो फलक समान है तो उत्तर कैसे देंगे दोस्तों? बहुत ही सीधा तरीका है, अगर दो फलक समान है तो उत्तर क्या देंगे, किस प्रकार से देंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक फलक समान है, सारणी बनानी है, समान फलक को पकड़ना है, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, ऊपर नीचे की फलक एक दूसरे के विपरीत होती है, बची हुई फलक समान फलक के विपरीत मानी जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर दो फलक समान है दोस्तों तो क्या होगा, देखते हैं जरा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सरल है, 5 सेकंड में उत्तर दे सकते हो आप इस प्रश्न का, अगर दो फलक समान है तो। 2, 3, 5, 5, 3, 4, ये लो जी आपका प्रश्न। अगर आपसे पूछ लिया, ये दो पासे देकर के आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न आ गया कि बताइए चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब आप सोचोगे साहब दो पासे वाला प्रश्न है, दो पासे वाला प्रश्न है तो आप सोचोगे देखो इसमें एक फलक समान है क्या, आप जैसे इनमें देखोगे आपको पता चलेगा कि सर एक फलक समान नहीं है, दो फलक समान है, 3 और 5 और 3 और 5, ये नहीं देखेंगे साहब एक फलक समान है, 3 फलक समान है, 3 के साथ यहां पर 5 भी समान है दोस्तों। तो याद रखें कभी भी अगर दो फलक समान होती है, कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार का दो पासे वाला प्रश्न होता है, और अगर दोनों पासों में दो फलक यदि समान होती है दोस्तों, तो याद रखें बची हुई फलकें आपस में विपरीत मानी जाती है। मतलब इधर से 2 बचा, इधर से 4 बचा, ये दो तो समान है, तो इधर से 2 बचा, इधर से 4 बचा, दोस्तों कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 2 है, आंसर है हमारा 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत पूछा है 2 आंसर है, 2 के विपरीत पूछे 4 आंसर है। आप कहोगे साहब बिल्कुल आ गया समझ में कि अगर दो फलक समान है, बची हुई फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। लेकिन सर अगर मान लीजिए 3 के विपरीत हमसे पूछ लेता, भाई बची हुई के बारे में हमने उत्तर दे दिया लेकिन बाकी की बारे में पूछ लेता, वैसे बहुत सारे प्रश्न हमने देखे हैं तो बची अगर दो फलक समान देगा तो बची हुई के बारे में ही पूछेगा, एक फलक समान देगा तो किसी के बारे में पूछ सकता है, लेकिन अगर दो फलक समान देगा तो बची हुई फलक के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन मान लो 1% में पूछ ले आपसे कहे कि साहब 3 के विपरीत बता दो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पासे से हमारी उम्मीद क्या है, हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या 2 हो सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, पड़ोसी है, क्योंकि जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। तो क्या 5 हो सकता है कि दोस्तों? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये भी पड़ोसी है।
तीन के पड़ोसी दो भी है, तीन का पड़ोसी पांच भी, ये विपरीत नहीं हो सकता। इस पासे में देखो आप, तीन का पड़ोसी चार है, चार भी विपरीत नहीं हो सकता दोस्तों। दो विपरीत नहीं हो सके, पांच नहीं हो सके, चार नहीं हो सके, तो क्या होगा? ये तो हमने कह दिया ये नहीं हो सकता। लेकिन अब यहां पर हम क्या उत्तर दें, क्योंकि हमारे पास दो अंक बचे, एक बचा है और छह बचा है दोस्तों। अगर हम कह देते हैं एक, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपने कैसे पता लगा लिया एक, एक गलत उत्तर है बिल्कुल। अगर आपने कह दिया छह तो भी गलत उत्तर है। यहां पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक या छह, इन दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा। लेकिन कौन सा आंसर है ये हमको पता नहीं है, और पता नहीं है क्यों नहीं पता, क्योंकि ये साधारण पासा है, और साधारण पासे में हम नहीं कह सकते कि साहब इसके विपरीत क्या है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा तो हम नहीं बता सकते। तो आंसर होगा इसका या तो एक होगा और या छह होगा, बाकी डिपेंड करता है दोस्तों ऑप्शन के ऊपर। जैसे मान लो चार ऑप्शन आ गए, तीन के विपरीत पूछ ले, एक में दो दे दिया, एक में पांच दे दिया, एक में चार दे दिया और एक में एक दे दिया, मान लो ये ऑप्शन है, और आपसे पूछे चार के विपरीत दोस्तों, तो आंसर ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता दोस्तों। पांच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कौन सा बचा है? एक बचा है। क्यों बचा है? छह नहीं है भाई, छह भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन में छह नहीं है, इसलिए हमने आंसर दे दिया कि सर आंसर क्या होगा? एक होगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तीन और पांच के विपरीत यदि पूछे तो हमारा जो आंसर होगा वो या तो एक हो सकता है और या छह हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। और अगर मान लो ऑप्शन चेंज इस प्रकार से आ जाता है, तीन के विपरीत पूछता है, दो आ गया, पांच आ गया, एक आ गया और एक या छह आ गया, तो दोस्तों अब हमारा आंसर है एक या छह। तो इसलिए निश्चित रूप से याद रखें कि जब दो फलक समान होती है तो 100% जो हम उत्तर प्राप्त करेंगे वो बची हुई फलक का ही प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बची हुई फलक हमारे पास में यहां पर जो आंसर है वो डबल स्थिति में है, फिर अपन ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देंगे। एक प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों इसका, इस पर मैं आपको चिन्हों का प्रयोग कर देता हूं। स्टार बीटा एच डॉलर स्टार और एच, और ये दो पासे आपके आगे चिन्हों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अब ये दो प्रश्न आपके पास में है और आपसे पूछ लेता है कि बताइए बीटा के विपरीत क्या होगा। मैंने कहा जैसे दो पासे आते हैं आपका काम क्या है, आप उस पासे में देखो एक फलक समान है या दो फलक समान है। दोस्तों यहां पर देखोगे आप दो फलक समान है, कौन कौन से समान है? स्टार और एच। और अगर स्टार और हेज समान है तो बची हुई पलक एक दूसरे के विपरीत होगी दोस्तों। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बीटा के विपरीत क्या होगा दोस्तों? डॉलर होगा। डॉलर के विपरीत क्या होगा? बीटा होगा। बीटा के विपरीत क्या है? डॉलर है। डॉलर के विपरीत बीटा है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टार के विपरीत आपसे पूछ ले स्टार के विपरीत क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं साहब बीटा नहीं हो सकता, हेज नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता, इसके अलावा जो ऑप्शन में चिन्ह है वो हो सकता है, और बाकी हम हमारी तरफ से उत्तर दें तो यहां पर आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों दो पासे वाले प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। दो पासे वाले प्रश्नों में दो टाइप हैं। पहला टाइप यदि एक फलक समान है तो सारणी बनाएंगे, और दो फलक समान है तो बची हुई फलक एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है। तो हम दोनों टाइप के प्रश्नों के आराम से उत्तर दे सकते हैं। दो पासे वाले प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगले पार्ट में तीन पासे वाले, चार पासे वाले प्रश्नों की हम बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।